हेलो स्टूडेंट्स आई होप यू ऑल आर डूंगा आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज सोनेट उसकी डेफिनेशन टाइप्स ऑफ सोनेट एंड सम फेमस सोनेट पॉइट तो विदाउट एनी फर्दर आर डू लेट डाइव वीडियो। इंग्लिश लिटरेचर में पोइट्री एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे डिफरेंट फॉर्म्स में डिवाइड किया गया है सोनेट भी पोइट्री की एक फॉर्म है और ये इटालियन वर्ड सोनेटो से ड्राइव किया गया है विच मीन्स लिटिल सॉन्ग यानी छोटा सा गाना अब ये बेसिकली फोर्टीन लाइन्स की एक पोइम होती है जो कि आई एम्बिक पे पेंटा में लिखी जाती है आई एम मीन्स फुट एंड पेंटा मीन्स फाइव यानी ऐसा मीटर जिसमें फाइव फुट हो अब एक फुट में टू सिलेबस होते हैं पहला स्लेबल अनस्ट्रेस्ड होता है एंड सेकेंड इज स्ट्रेस्ड जैसे शेल आई ये एक फुट है इसमें पहला स्लेबल शेल जो है वो अनस्ट्रेस्ड है एंड आई जो है वो स्ट्रेस्ड है इस तरह कंपेयर, इसमें टू स्लेबल्स है कॉम अनस्ट्रेस्ड पेयर इज स्ट्रेस्ड देन दी जो है वो अनस्ट्रेस्ड है एंड टू इज स्ट्रेस्ड फिर आस सम, समर में जो है उसको हमने डिवाइड किया आज जो है वो अनस्ट्रेस्ड है and some is stressed. Then, day, summer's day. तो जो है ये unstressed है and day is stressed. अब इसमें इसमें अगर आप देखें तो इसमें five feet जो कि पेंटा यानी फाइव तो ये क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है इट्स एन आई पेंटामीटर अब सोनट के बारे में जानने से पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का पता होना चाहिए जो कि सेस्टेट क्वार्ट्रेन ऑक्टेव क्वार्ट्रेन एसिस टेंसर को कहते हैं जिसमें फोर लाइन्स होती हैं सेस्टेट वो स्टेंसा जिसमें सिक्स लाइन्स होती हैं एंड ऐसा एससा जिसमें एट लाइन्स होती हैं। अब हम टाइप्स ऑफ सोनेट्स को डिस्कस कर लेते हैं एंड देर आर टू फेमस टाइप्स ऑफ सोनेट्स विच इंक्लूड शेक्सपीरियन सोनेट या जिसे हम इंग्लिश सोनेट भी कहते हैं एंड द सेकेंड इज इटालियन सोनेट और पेट्रॉर्किन सोनेट अब जो शेक्सपीरियन सोनेट होती है इसमें थ्री क्वार्ट्रंस होते हैं यानी जिसमें फोर लाइन्स होती है और उसके बाद एक कपलेट होता है टू लाइन्स का अब ये जो क्वार्ट्रंस है थ्री क्वार्टर इनमें जो जिस चीज के बारे में बात हो रही है ये जो सब्जेक्ट है उसकी प्रॉब्लम्स को डिस्कस किया जाता है या क्वेश्चन को डिस्कस किया जाता है जबकि कपरेट में उन्हीं प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन होता है या जो ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हीं का पॉइंट खुद ही आंसर देते हैं अब थ्री क्वार्टर में और हर क्वार्टर में फोर लाइंस है तो ट्वेल्व लाइंस ये हो जाती हैं और फिर कपलेट की टू लाइन्स को एड किया जाए तो फोर्टीन लाइन्स की सोनेट मुकम्मल हो जाती है इसकी फिक्स ट्राम स्कीम होती है विच इज ए बी बी ए सी डी सी डी ई एफ ई एफ जी जी फिर इटालियन सोनेट में कॉन्फिडेंस नहीं होते इसमें लाइंस का एक होता है, जिसे हम ऑक्टिव कहते हैं और उसके बाद ऑक्टिव तो के बाद फर्स्ट लाइन उसे हम कहते हैं टर्न और वोल्टा और इसमें भी सेम वही शेक्सपियरियन सोनेट की तरह होता है कि जो ऑक्टिव होता है उसमें प्रॉब्लम्स होती हैं और सेस्टेट में उन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन होता है अब एट प्लस सिक्स लाइंस फोर्टीन लाइंस यानी सोनेट मुकम्मल हो जाती है एंड देन राइम स्कीम इसकी है ए बी बी ए ए बी बी ए सी डी सी सी डी सी और बाज़ात सी डी ई सी डी ई ये राइम स्कीम भी आपको देखने को मिलेगी इसके अलावा सोनेट की थर्ड टाइप है स्पेंसेरियन सोनेट व्हिच इज़ नेम्ड आफ्टर अ ग्रेट इंग्लिश पोइट एडमिन स्पेंसर ये भी शेक्सपीरियन सोनेट की तरह होती है बट इसमें मेन डिफरेंस राइम स्कीम का है इसमें भी थ्री क्वार्टें होते हैं और एक कपलेट होता है बट राइम स्कीम में डिफरेंस आ जाता है विच इज ए बी ए बी बी सी बी सी सी डी सी डी एंड ई ई जो कि कपलेट की राइम स्कीम है इसके अलावा ऐसे पोइट्स जिनकी सोनेट्स बहुत ज़्यादा फेमस हुई उनमें सर थॉमस वाइट है, है, हैं हेनरी हॉवर्ड हैं William Shakespeare, Sir Philip Sidney, Edmund Spencer, and Elizabeth Barrett Browning. So, it was all about this video. I hope you liked it. And if you liked it, then don't forget to subscribe. Thank you very much.